भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन को भी महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के हित के लिए 3 तलाक का मुद्दा चलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद आए दिन महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से महिलाओं और युवतियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद के असालतपुरा निवासी काशिफा पुत्री मुन्ना का विवाह 7 मार्च 2018 को हुआ था। परिवार के अनुसार 2 महीने में ही उसके पति राशिद निवासी असालतपुरा ने दहेज की मांग करते हुए उसको घर से निकाल दिया और राशिद ने दूसरा विवाह कर लिया। परिजनों और काशिफा के अनुसार 4 मार्च की लगभग रात के 8 बजे उसकी उसके पति और ससुराल के लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। परिजनों द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना थाना गल शहीद के असालतपुरा की है। मारपीट की घटना की सूचना जैसे ही थाना अध्यक्ष पुलिस को दी, पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई, मामले को बमुश्किल शांत कराया। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही की गई। पीड़िता और उसके परिजनों का कहना है कि दबंग लोगों ने उनकी पुत्री को निकाल दिया है और दूसरा विवाह राशिद ने कर लिया है। अभी तक उनकी पुत्री को इंसाफ नहीं दिलाया गया है। आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है और पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ लगातार झूठे मुकदमे कायम कर रही है। पुलिस प्रशासन से इंसाफ की अपील करते हुए पीड़िता ने बताया कि उसकी ससुरालियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग मुरादाबाद के जिला अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया है। उसे शक है उसके ससुराली उसके परिवार पर झूठा मुकदमा कायम करा सकते हैं। काशिफा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, कैसा हो शादी को तुम्हारी? अब क्या कर रहा है वो? पुलिस जब भी कुछ नहीं कर रही, घर में बुला लिया, बुला के कहने गंदी गंदी गाली बोल रहे, एक पैर पे गाड़ी को रह दे, गाड़ी भी गिरी पड़ी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम राशिद और साजिद दोनों थे। अब क्या चाहती हो तुम? तो तुम्हें तलाक दी क्या उन्होंने? अभी तलाक भी नहीं दी, मैं घर पर रुकी 3 दिन के, 3 दिन के बाद।